एक आदमी कपकपाती ठंडी रात में जंगल में अपना रास्ता कहीं खो बैठता है। वो थक हार के कहीं बैठा ही था कि तभी एक आदिवासी उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। वो आदमी उससे कहता है कि मेरी मदद करो, मैं रास्ता भटक गया हूँ। आदिवासी उसे आश्वासन देते हुए कहता है, घबराओ मत, आज रात मेरे ही घर पे रह लो, कल सुबह सुबह मैं तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखा दूंगा। दोनों लोग आदिवासी के घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में वो आदमी अपने दोनों हाथ अपने मुंह के पास लाकर उनमें फूंक मारने लगता है। ये क्या कर रहे हो, आदिवासी उससे पूछता है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए हैं, मैं उनको फूंक मार के गर्म कर रहा हूँ। इसके बाद वो दोनों आदिवासी के घर पहुंचते हैं और वहां दोनों गर्म गर्म सूप पीने बैठते हैं। वो आदमी चम्मच को अपने मुंह के पास लाता है और उस पर फूंक मारने लगता है। और ये तुम किस लिए कर रहे हो, आदिवासी पूछता है। ये सूप बहुत गर्म है, मेरे फूंकने से ये ठंडा हो जाएगा, उसने जवाब दिया। दफा हो जाओ यहां से, आदिवासी चिल्लाता है। मैं ऐसे आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता जो अपने मुंह से फूंक मारकर चीजों को गर्म और ठंडा दोनों करता है। इस मजेदार कहानी से हम सीखते हैं कि एक ही काम करने के दो अलग मौकों पर दो बिल्कुल उल्टे नतीजे हो सकते हैं। अगर आपके ऑफिस में कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है और आप उसको फटकार लगाते हैं, तो हो सकता है कि वो ज्यादा मेहनत करने लगे ताकि उसको दोबारा डांट ना पड़े, या फिर वो हताश हो जाए और बिल्कुल ही काम करना छोड़ दे। अगर कोई इंसान कुछ गलत करता है और आप उसको माफ कर देते हैं, तो हो सकता है कि वो आपकी इस बात का मान करे और खुद को सुधारे। या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको महत्व देना छोड़ दे और गलतियां दोहराता रहे। अगर आप दयालु इंसान हैं और किसी की मदद करते हैं, तो वो आपका आभारी होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो इसे अपना हक मानकर आपसे और ज्यादा की मांग करे। हमारे एक ही काम से किसी की मदद भी हो सकती है और किसी का नुकसान भी। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसको सही काम को सही ढंग से करना आता हो, ताकि वो सही समय पर सही कदम उठाए, जिससे कि वो अपने मकसद को प्राप्त कर सके।